हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई एम गुलाबसा एंड आई वेलकम अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू डेप्रीसी न्यूज में काफ़ी बार आ चुका है और कई बार दे आर डीज आर सेक्टर सच इन्फ्लेशन से लिंक हो जाती है हमारे इंटरेस्ट रेट से लिंक हो जाती है हमारा जो एक्सटर्नल बैलेंस शीट है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसके बारे में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे इन दिस वेरी वीडियो सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए द फर्स्ट इज दैट दट वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द लाइव क्लासेज इसके बारे में आपको हमने ऑलरेडी टेलीग्राम के थ्रू कन्वे कर दिया था अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू हैव स्टिल नॉट डाउनलोडेड आर ऐप यू कैन डू सो बाई गोइंग ऑन टू द गूगल प्ले स्टोर वहां पे जाइए अनुजिंदल डॉट इन सर्च कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए दिस ऐप इज गोइंग टू लिटरली लेवरेज योर परफॉर्मेंस क्योंकि यहाँ पे पास पेपर एनालिसिस से लेकर डेली क्विजेस और स्ट्रैटेजीज एग्जाम्स रिलेटेड अपडेट्स जो भी जितने भी चीजें हैं नोटिफिकेशन हो गया सारा कुछ इस ऐप पे डाला जाता है आपको फ्री क्विजेस मिलेंगे सो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस ऐप फॉर लेवरेजिंग योर प्रेपरेशन जर्नी राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टॉक अबाउट एक्सचेंज रेट तो so, सबसे पहले जब भी हम डेप्रिसिएशन की बात करते हैं डेप्रिसिएशन होता क्यों है अदर ठीक है तो जब भी आप एक करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पता करना चाहते हो कि दूसरे करेंसी के मुकाबले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय करेंसी कम्स द पिक्चर ऑफ द एक्सचेंज रेट अब ये

जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है उस कंट्री की या फिर वहां का जो सेंट्रल बैंक होता है दैट डिसाइड्स कि क्या होना चाहिए एक्सचेंज रेट बिटवीन योर डोमेस्टिक करेंसी एंड द फॉरेन करेंसी उसके बाद आ जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि ना गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना ही स, ना ही सेंट्रल बैंक का गवर्नर डिसाइड करता है द एंटायर ओनर्स इज द मार्केट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट दैट कम्स अंदर द्लोटिंग एक्सचेंज रेट उसके बाद आ जाता है मैनेज एक्सचेंज रेट अगर हम वर्ल्ड की बात करें इंडिया ले लो चाइना ले लो बहुत सारे कंट्रीज ऐसी है जहां पर मैनेज एक्सचेंज रेट को फॉलो किया जाता है अब ये मैनेज एक्सचेंज रेट क्या होता है जो ये मैनेज एक्सचेंज रेट होती है यहाँ पे मार्केट फोर्सेज को हम अलाउ करते हैं कि आप डिसाइड कीजिए मार्केट फोर्सेज की क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए पर अगर ऐसी सिटन आ जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है बहुत ज्यादा वोलाटाइलिटी है जैसे आपने देखा होगा कि हमारी जो रुपी थी वो एट्टी रुपीज इस तो वन को टच कर रही थी वहां पे आरबीआई आरबीआई आई और RBI ने इंटरवीन करा सो पर सेंट्रल बैंक इंटू दी मार्केट फोर्सिसनेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दैट कम्स अंडर एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर हम इंडिया की बात करें पर्सी तो इंडिया में दो तरीके के एक्सचेंज रेट फॉलो किए गए थे अगर हम टिल 1992 की बात करें, अब 1992 रिमेंबर्ड स्पेसिफिकली फॉर आपको पता है 1992 की BOP crisis हुई थी, हमारे पास इतना भी रिजर्व्स नहीं था Forex reserves, कि हम अपने इंपोर्ट्स को पे कर सके सो एट दैट टाइम आईएमएफ ने हमें बेल आउट किया उस टाइम तक वी वर फॉलोइंग दिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम जहां पे गवर्नमेंट डिसाइड कर देती थी कि वन डॉलर इक्वल टू रुपीस टे तो ये एक्सचेंज रेट फॉलो होता था ठीक है पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हमारे पास फॉरेक्स नहीं थे तो इसको छोड़ के जब हमने आईएमएफ का बेल आउट पैकेज लिया वी मूव्ड ऑन टू मार्केट लेड एक्सचेंज रेट रजीम वेर वाय वी आल्सो केप्ट इंटरवेंशन बाई देंट्रल बैंक तो बेसिकली हम फिक्स से डिरेक्टली एक्सचेंज रेट रजीम पे पहुंच गए ठीक है इन सबको अब और समझते हैं डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में सो दीज आर द्री टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रिटीम एक्सचेंज रेट रिजीम द फिक्स फ्लोटिंग एंड द मैनेज एक्सचेंज रेट अब बात करते हैं सबसे पहला जो है फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गवर्नमेंट या फिर वहां का जो सेंट्रल बैंक होता है कि currency, अब यहाँ पे एक दिक्कत होती है दिक्कत क्या है अगर कभी बहुत ज्यादा एक्सटर्नल शॉर्स हो एक्सटर्नल शॉक्स माने ऐसा समझो अगर बहुत ज्यादा आपके पास डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में देन एट दैट टाइम जो सरकार होती है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक पीपल तो उस केस में आप क्या करते हैं जो फिक्स एक्सचेंज रेट रिज्यूम होती है वो कंप्लीटली शैटर कर जाती है ठीक है तो एक्सचेंज फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता एंटायरली गवर्नमेंट क्या करती है डिटरमाइन कर देती है कि व्हाट शुड बी दी एक्सचेंज रेट अब जो भी एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हुआ है दैट शुड बी फॉलोड बाय एवरी डीलर्स बैंक्स हो गए या फिर एयर एयरपोर्ट में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एजेंट्स बैठे होते हैं दे डू कन्वर्जन ऑफ योर फॉरेन करेंसी टू दी डोमेस्टिक करेंसी इन सबको जो भी रेट सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है उस रेट को फॉलो करना पड़ेगा ऐसी एक्सचेंज रेट अगर ये फॉलो नहीं करती तो पेनल्टी लगाई जा सकती है बाय दी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ठीक है अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल शॉक्स की ऐसे मान लो सपोज यूएस ने एक स्कीम अनाउंस कर दिया द स्कीम से अगर आप इन्वेस्ट करते हो यूएस में आकर अब इंडिया वालों के लिए ये जो अनाउंसमेंट है इस स्कीम की बहुत ल्यूक्रेटिव है क्योंकि इंडिया में अगर आप फिक्स डिपोजिट में करते हो आपको कुछ फाइव पॉइंट फाइव से सिक्स परसेंट का रिटर्न मिल रहा है अगर हम डिपॉजिट की बात कर अकाउंट में वहां पे आपको दो से तीन परसेंट का रिटर्न मिल रहा होता है तो उसके मुकाबले में आपको रिटर्न मिल रही है दो इट्स हाइपोथेटिकल एग्जांपल तो आप सब भागोगे वहां पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब आपने क्या किया आप जैसे कुछ हजार लोग भी आ गए और सारे दस दस लाख रुपए लेके आरबीआई के गवर्नर के पास पहुंच गए कि सर आ, गवर्नर साहब ये लीजिए हमारे दस लाख रुपए इसके बदले हमें आप डॉलर्स दे दो क्योंकि हमें यूएस में इन्वेस्टमेंट करता है अब वन डॉलर इक्वल टू रुपीज टेन है ठीक है दिस इज द रेट द एक्सचेंज रेट दैट हैज बाय शक्तिकांत दास तो दस लाख के बदले आपको वन लाख डॉलर्स मिलने हैं अगर 10-10 लाख रुपए लेकर हजार लोग पहुंच गए या 500 लोग पहुंच गए आर के पास ये तो फिर परेशान हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास जितने भी फॉरेक्स रिजर्व हैं उसकी जो वैल्यू होगी वो कम होती चली जाएगी फॉरेक्स हमारा डिक्रीज करता चला जाएगा और इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि अगर बहुत सारे लोग डॉलर की डिमांड करते रहे करते रहे तो हमारा जो फॉरेक्स है वो बिल्कुल खाली हो सकता है हमारी जो तिजोरी है सरकार के पास जो तिजोरी है हमारे फॉरेक्स रिजर्व की वो बिल्कुल जीरो हो सकती है अब आर गवर्नर ने सोचा नहीं भाई मैंने तो बता दिया है कि वन डॉलर इक्वल टू रूपीज टेन है तो मुझे सस्टेन करना है सो आरबीआई क्या करती है अपने हाथ पांव चलाती है और फिर वो कहती है चलो मैं ऑथराइज डीलर के पास चला जाता हूँ ऑथराइज डीलर्स को बोलती है कि आप एक काम करो अभी थोड़े टाइम के लिए ये रुपए पकड़ो और उसके बदले हमें डॉलर दे दू इज डीलर से नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता द डिमांड फॉर डॉलर इज टू मच तो अगर मैं आप, भी आप मुझे दोगे क्योंकि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई है नहीं डॉलर की तो इन दैट केस डीलर से अगर आप मुझे एक डॉलर का पंद्रह या बीस रुपए दोगे तो ही मैं आपको डॉलर सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ इन दैट केस जो इंटायर सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का वो तो कलेप्स कर गया बिकॉज जो ये रेट थी वो सस्टेन नहीं कर पाएगी अगर बहुत ज्यादा डॉलर की डिमांड आनी शुरू हो जाएगी तो सो इन दैट केस व्हाट द आरबीआई गवर्नर विल डू आरबीआई गवर्नर विल गो ऑन डी वैल्यूइंग दी रूपी क्योंकि उसके ऊपर इतना बर्डन आ गया है पेमेंट करने के लिए डॉलर्स देने के लिए कि वो अब डिवेल्यूएशन करता है सो दैट इट कैन मेक द पेमेंट अब जो कोई बीस बीस रुपए लाएगा तो ही उसको एक डॉलर मिलेगी ठीक है तो दस लाख रुपए लेकर जा रहे थे आपको एक लाख डॉलर मिल रहा था ना यू विल ओनली बी गेटिंग फिफ्टी थाउजेंड डॉलर तो कई सारे लोग ऐसे होंगे कि पैसे तो हमारे सारे कम हो जा रहे हैं लेट मी नॉट डू दी इन्वेस्टमेंट और अदर काइंड ऑफ थिंग तो ये चीजें होनी शुरू हो जाएंगी अगर ये वन डॉलर इक्वल टू ट्वेंटी पे भी अगर सस्टेन नहीं कर पा रही है मीट नहीं कर पा रही है लोगों की डिमांड देन आरबीआई विल हैव टू फर्दर डीवैल्यू इट्स करेंसी तो ये प्रॉब्लम है हमारे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की जहाँ पे आप अपने जो अपना जो एक्सचेंज uh, रेट है उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते बहुत लंबे समय तक बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल शॉक्स और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे जो स्पेक्यूलेटर्स हैं वो जान कर डिमांड करते हैं सो so दैट वो आर्बिट्राज का फायदा उठा सकें सो दैट जब भी डीवैल्युएशन हो वो अपने डॉलर को सेल करें और उनके पास ज्यादा रुपीज आ जाए सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर डीवेलुएशन होता है और एक्सचेंज रेट आपके कम होते चले जाते ये तो हमने इंडिया की बात कर ली जिसके पास 600 बिलियन डॉलर्स का फॉरेक्स रिजर्व है व्हाट अबाउट दो स्मॉल कंट्रीज जिनके पास फॉरेक्स ही बहुत कम है वहां पे तो बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पाएगी ऐसी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम तो यही हम फॉलो करते आ रहे थे 1992 तक इसकी लिमिटेशंस की वजह से वी मूव्ड ऑन टू वन अब हम बात करते हैं दूसरे

फॉरेन करेंसी की डोमेस्टिक करेंसी की उससे डिटरमाइन किया जाएगा आपका एक्सचेंज रेट तो जब भी सप्लाई बढ़ेगी आपके डोमेस्टिक करेंसी की या डिमांड कम होगी आपके डोमेस्टिक करेंसी की उस टाइम पे आपका जो एक्सचेंज रेट है आपकी वैल्यू गिर जाएगी ठीक है और दूसरी चीज जब भी सप्लाई कम होगा जैसे डॉलर की सप्लाई कम हो रही है या फिर डिमांड बढ़ रही है हमने देखा अपने पिछले एग्जांपल में कि बहुत सारे लोग डॉलर की डिमांड कर रहे थे इंक्रीजिंग दी सप्लाई ऑफ द रुपी तो जब भी आप इंक्रीज करोगे डिमांड आपका जो एक्सचेंज रेट या आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी आई होप दिस इज क्लियर टू यू बट इसमें भी एक छोटा सा क्रिटिसिज्म है द क्रिटिसिज्म इज रिगार्डिंग दि वॉलटलिटी इन एक्सचेंज रेट देखो स्टेबिलिटी चाहिए अगर अस्सी रुपए है वो भी चलेगा इफ इट स्टेबल ऐसा नहीं कि एक दिन 72 है 78 हो गया 80 हो गया 85 हो गया अगर बहुत ज्यादा वॉलेटाइलिटी होगी तो सस्टेनेबल नहीं होगा इन्वेस्टर की जो कॉन्फिडेंस है आपके मार्केट पे वो नहीं रहेगी लोग पैसा निकालना शुरू कर देंगे अभी आपने रशिया यूक्रेन जो वॉर हुआ था आपने तब देखा था इन द मंथ ऑफ जून जो हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया था इंडियन इकोनॉमी से क्योंकि हमारा जो रूपी था वो डेप्रीशिएट कर रहा था देवे अदर फैक्टर्स एज वेल यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रही थी दैट वॉज अनादर फैक्टर बट बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन ऑल्सो जो फॉरनर्स की कॉन्फिडेंस थी इंडियन इकोनॉमी में वो कम होती जा रही थी और उनको ऐसा लग रहा था कि हमें हमारे इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाएगा इस कंट्री में इन्फ्लेशन भी था सो दे आर सेवरल रीजन्स एक रीजंस डिप्रीसी भी था अब आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करी है आई वॉज यूजिंग द वर्ड डी वैल्युएशन डी यूज कर रही थी मैं बट जैसे ही मैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आ गई मैं डिप्रीसी की बात कर रही हूँ ज रेट सिस्टम होती है जब भी गवर्नमेंट डिटरमाइंड करते हैं डीवैल और इन वेनवर इट इज मार्केट लेड मार्केट प्रोसेस डिटर कर रहे होते हैं दे वी यूज दर्ड डेप्रीसिएशन सिंपल सी बात है जब आप स्टॉक्स खरीदते हो उस पर जो आपको प्रॉफिट मिलती है दैट इज कॉल्ड डिविडेंड और अगर आप डिवेंचर्स uh, में बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो वहां पे आपको जो रिटर्न मिलता है दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट डिविडेंड का ही कंसेप्ट है यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप डिवेंचर के केस में डिविडेंड बोल दोगे तो वो गलत हो जाएगा तो यू विल कि कहाँ पे डीवेलुएशन यूज करना है कहाँ पे डेप्रिसिएशन यूज करना है नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया क्या फॉलो करता है सो इंडिया फॉलोज़ द मैनेज्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसको हम लोग डर्टी फ्लोट बोलते हैं व्हाई डू वी कोल्ड इट डर्टी फ्लोट डर्टी फ्लोट इसलिए बुलाते हैं क्योंकि यहाँ पे आरबीआई इंटरवीन करती है जब भी उसे लगता है कि सरकमस्टेंसेस अच्छे नहीं हैं अभी भी आपने सुना होगा कि शक्तिकांत दास आर बी आई गवर्नर ने बार बार यही चीज बोला कि जब भी रुपी हमें गिरती हुई दिखेगी हम सपोर्ट करेंगे हाउडस आर बी आई इंटरवीन आर बी आई इंटरवीन करती है बाई सेलिंग इट्स रिजर्व सो दैट जो रुपी की वैल्यू है वो इतनी ज्यादा ना गिरे ठीक है तो मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस ये डिटरमाइन करते हैं आपके एक्सचेंज रेट को बट वेन एवर नेरी द गवर्नमेंट देंट्रल बैंक कम्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट डोमेस्टिक करेंसी तो मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम एक तरीके से मिड पॉइंट है या मिडल में है फिक्स और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के आई होप आपको ये समझ आ गया ना लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दो हजार बाईस की अभी डेटा मिली नहीं इसमें अगर आप देखोगे तो इनिशियली जो हमारा एक्सचेंज रेट सिस्टम था दैट वॉज वन डॉलर इक्वल टू रुपीज फोर पॉइंट सेवन सिक्स और आज की डेट पे अगर हम बात करें 2022 की बात करें 2022 में ये ऑलमोस्ट 80 रीच कर चुका है 79.7 right? तो ये आज की डेट की डेट है तो आप देखो कैसे रुपी करती गई कई बार ऐसे सर्कमस्टांसिस भी आए जैसे आप देखोगे ये वाले पीरियड में 2000-2007 के पीरियड में एक्चुअली आर रुपी वॉज एप्रीशिएटिंग जब भी ये गिरती है इसका मतलब हुआ आपकी रुपी महंगी हो रही है योर रुपी हैज एप्रीशिएटेड, राइट पहले आप फोर्टी थ्री रुपीज दे के एक डॉलर लेते थे अब आप बस थर्टी नाइन रुपीज दे के एक डॉलर ले सकते हो सो दिस दिसारियो ये था हमारा नाइनटीन नाइनटी टू का क्राइसिस जब हमारा रुपी कुछ थर्टी के आसपास था थर्टी रुपीज अ डॉलर और हमने मूव कर दिया था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम से फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट फिक्स एक्सचेंज में हम यूज करेंगे द वर्ड डी एंड इन केस ऑफ फ्लोटिंग विल यूज द वर्ड डेप्रीसिएशन आई होप ये क्लियर हो गया नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट हाउ इंडिया हैव मैनेज इट्स रिजीम इट्स मैनेज्ड फ्लोट रिजीम सिंस 1993 अब देखो एक्सचेंज रेट जो डिटर्मिनेशन होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन करेंसी अब ये फॉरेन करेंसी आती कहां है हमारे पास फॉरेन करेंसी के आने के दो तरीके हैं एक तो आपके करंट अकाउंट से आ सकती है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के थ्रू जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो आप एक्चुअली सप्लाई बढ़ा रहे हो फॉरेन करेंसी की आपके पास डॉलर्स आ रहे हैं ठीक है इंपोर्ट जब भी करते हो पेमेंट कर रहे हो आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो फॉरेन करेंसी की डॉलर की डिमांड क्रिएट हो रही है तो यहां से आपका एक आ जाएगा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द द एक्सपोर्ट एंड इज कैपिटल फ्लो कितना पैसा आपकी इकोनॉमी में आ रहा है कितने पैसे एफ ला रहे हैं कितना पैसा एफ आ रहा है? है कितना हम लोन ले रहे हैं ऑल ऑफ दीज डिटर द अमाउंट ऑफ डॉलर इन योर डोमेस्टिक इकोनॉमी अब इसको समझते हैं और सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हाउ आर फॉरेक्स रिजर्व आर बिल्ड अपॉन सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोर्ट से हमारे पास सप्लाई बढ़ जाती है डॉलर की फॉरेक्स रिजर्व की और इंपोर्ट से हमारा डिमांड बढ़ जाता है डॉलर की ठीक है और जो भी पैसा हमारे पास आता है सबसे पहले हम यही कोशिश करते हैं कि जितना भी हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व आए वी आर फर्स्ट ट्राइंग टू पे आउट दस सो दु करंट अकाउंट आपके इम्पोर्ट ज्यादा है आपके एक्सपोर्ट से तो इसको पेमेंट करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपका फॉरेक्स रिजर्व कहलाएगा ठीक है आप फॉरेक्स में डाल दोगे उस पैसे को अपनी तिजोरी में डाल दोगे आरबीआई गवर्नर तिजोरी में डाल देती है ठीक है अब हमारा जो करंट अकाउंट डेफिशियट रहा है वो लेस देन टू परसेंट रहा है ऑलमोस्ट आफ्टर दी बीओपी क्राइसिस और इसको फाइनेंस भी हम बहुत अच्छे से कर पाए हैं बिकॉज वी हैव सीन एन इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ एफ डी आई एंड एफ पी आई कमिंग इन टू इंडिया ठीक है पर अगर एक्सचेंज रेट की बात करें डिटर्मिनेशन की बात करें अगर हमारे पास कैपिटल फ्लोज आ ही नहीं रहा जस्ट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स हैं इन दैट केस इट इज द करंट अकाउंट बैलेंस दैट विल डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट ठीक है कितना आपके पास डॉलर आ रही है कितना आप पेमेंट कर रहे हो ये डिटरमाइन करेगा आपके एक्सचेंज रेट को अब हम बात करते हैं व्हाट इफ कैपिटल फ्लोज को हम इंक्लूड करें अगर हम अपने फॉरन करेंसी में अपने जो भी अगर हम इस पूरे सिनारियों में करंट कैपिटल फ्लोज को इन्वॉल्व करे तो कैपिटल फ्लो भी जैसे आपको पता है जब भी एफ डी आई आ रही है एफ पी आई आ रही है सप्लाई बढ़ा रही है वो हमारे फॉरेन करेंसी की इन दैट केस जो भी हमारा आपने उस फॉरेन कैपिटल इनफ्लो से अपने करंट अकाउंट डेफिश दे दिए बाकी जो पैसा बचा वो आपने अपने फॉरेक्स में डाल दिया ति तिजोरी में डाल दी सो कैपिटल इन्फ्लोज आफ्टर पेइंग फॉर द करंट अकाउंट इन बिल्डिंग up the रिजर्व और इंडिया की जो रिजर्व्स है जो हमारे 600 बिलियन डॉलर्स का रिजर्व है इट हैज क्रिएटेड आउट ऑफ दिस कैपिटल इन्फ्लोज ओनली कैपिटल इन्फ्लोज की वजह से ही हमारा रिजर्व्स बढ़ा है अगर हम बात करें चाइना की हमारी जो पड़ोसी मुल्क है तो चाइना के जो हमारा जो चाइना का फॉरेक्स रिजर्व बिल्ड अपऑन हुआ आपको पता है चाइना हैज ह्यूज सरप्लस इतना surplus है उसके पास forex reserves की, करंट अकाउंट उनका जो एक्सपोर्ट्स है इतना वो exports करते हैं कि फॉरन करेंसी उनके पास भर भर के आती है एंड दैट्स रीजन वाई दे रिजर्व ठीक है करंट अकाउंट सरप्लस से चाइना ने अपनी फॉरेक्स को बिल्ड अप ऑन किया है अब देखो इंडिया वहीं पे कैपिटल इनफ्लोस को यूज कर रहा है अपने फॉरेक्स को ग्रो करने के लिए चाइना हैज बिन यूजिंग द करंट अकाउंट सरप्लस अब क्वालिटी की बात करते हैं दो तरीके के रिजर्व हो गए दोनों ही बाहर से आ रहे हैं और इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिटी चाइना हैज गॉड गुड क्वालिटी ऑफ रिजर्व पैसा उनके खुद के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने अर्न किया है बाय एक्सपोर्टिंग गुड्स दो इन द केस ऑफ इंडिया इंडिया में क्या हो रहा है एफ पी आई पैसे ला रहे हैं एफडीआई पैसे ला रहे हैं एफ डी आई तो चलो बिजनेस सेटअप कर देगा काफी लंबे टाइम तक वो पैसे नहीं निकालेगा बट इफ यू टॉक अबाउट दी एफ पी आई द फॉरन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ऐसे चुटकियों में वो पैसे लेक निकालेंगे जब भी उन्हें लगेगा कि अच्छे नहीं है है मार्केट में रशिया यूक्रेन को उठा लो जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ एफ ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए इंडियन मार्केट से तो जो भी हमारा फॉरेक्स रिजर्व है ये काफी वॉलटाइल इन नेचर है तो अब देखो इंटरलिंकेजेस दिखाती हूँ मैं आपको इंटरलिंकेज देखो करंट अकाउंट डेफिशिट में और आपके फॉरेक्स में अब आपका फॉरेक्स बढ़ रहा है बिकॉज़ ऑफ़ तो ये आपका है अगर आप अपना करंट अकाउंट डेफिशिट को कम नहीं करते या अंदर लिमिट नहीं लाते और ये करंट अकाउंट डेफिशिट इंक्रीज होता चला गया इसको आप फाइनेंस करोगे अपने फॉरेक्स से जो खुद ही एक वॉलोटाइल है और अगर ये कम पड़ गया देन यू विल हैव टू गो फॉर बोरोविंग्स बोरोविंग्स अगेन इज इज समथिंग नॉट गुड इसीलिए वी शुड मेंटेन एंड ट्राई टू सी कि आपके जो करंट अकाउंट डेफिशिट है वो कम से कम रहे क्योंकि ये देखा गया है कि हमारे पास इतना कैपिटल इनफ्लो हमारा रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व कितना ज्यादा है फिर भी हमारी जो रुपी है वो डिप्रिशिएट कर रही होती है ठीक है और इसीलिए वी हैव टू सी वी हैव टू टैकल दिस टू इशू फर्स्ट इज द करंट अकाउंट डेफिशिट वो हमें कम से कम रखना है क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स है जो हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है वो काफी बॉलरटाइल है एंड सेकेंडली डोमेस्टिक प्राइसिस इन्फ्लेशन हमारा मैनेज रहे मेंटेन रहे क्योंकि इन्फ्लेशन हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट क्रिएट करता है अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हुआ तो आपको इन डोमेस्टिक टर्म्स बहुत ही कम पैसा मिलेगा so I hope आपको समझ आ गया कि depreciation क्यों हो रहा है it is dependent first upon the exchange rate regime secondly ये सारी चीजें आप अपने forex कैसे build upon कर रहे हो आपकी export competitiveness कितनी है right so this was the end so this was basically an article that was uh, that came in the mint newspaper so I thought of discussing with you I hope aapko samajh aa gaya hoga and this is all for today I hope you like the session In case of any doubt, you can always write it down in the comment section. Till then, take care and bye bye.